सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाकर पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और आगे की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने जो 6141 बॉक्स है उसमें सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स में क्या क्या इसमें आपको मिलता है। तो कंप्लीट सेटिंग्स सेटअप जो है इसका मैं समझा रहा हूँ। उसमें फर्स्ट हम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। मेन्यू में यहाँ पर आपको इसे ओपन करने के लिए हमेशा पासवर्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अच्छा और हाई क्वालिटी इंटरनेट एक्टिविटी वाला सेटअप बॉक्स है इस वजह से। तो इसमें यहाँ पे पासवर्ड आपको लगाना होगा। फर्स्ट अगर बात करें इंस्टॉलेशन की, तो इसमें पहला ऑप्शन जो मिलता है सैटेलाइट सेटअप का हमें मिलता है। सैटेलाइट सेटअप में आपको सैटेलाइट्स की नेम डिटेल सबको मिल जाती है, तो यहाँ से अगर आप ऑटो स्कैन करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आपको सैटेलाइट लिस्ट मिलती है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि कौन कौन से सैटेलाइट्स इसमें पहले से सेव्ड है जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे सैटेलाइट्स इसमें आपको मिलते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में हम बैक करें और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन टीपी लिस्ट मिलती है, जहाँ पर दिखाते हैं जो जितनी भी टीपीज है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिलती है, जो पूरी डिटेल्स के साथ में है। ये सारी टीपीज आपको मिल जाती हैं। इसके बाद में बैक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है मोटर सेटिंग का। मोटर सेटिंग्स का मैं आपको बता दूं कि ये आपको यूज़ नहीं आता है, बट ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर स्पेशल जो डिशेज होती है जो उपलब्ध होती है, तो उनमें पता क्या होता है कि ऑटोमेटिक मोटर लगी होती है। जैसे ही उनमें डिग्री डालते हैं कि कितनी डिग्री पर सेट करना है, 75, 76, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है, एलएम भी एडजस्ट हो जाती है, उसका एलिवेशन एडजस्ट हो जाता है, सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है और डायरेक्टली वो सेटेलाइट को कवर कर लेती है। ये तो मोटर और ट्रांसफार यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। डिस्क्यूसी है तो वो भी बीच में दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक रहता है सारा, वो उसके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट सेटअप कि आप चाहते हैं लिमिट सेटअप करना, तो यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको ईस्ट का सेटेलाइट लेना है या वेस्ट का सेटेलाइट लेना है। कंटिन्यू मूविंग इसमें स्टॉप कि आप अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर रहे हैं तो कंटिन्यू मूव होता रहे, या फिर ओनली ईस्ट ईस्ट के सेटेलाइट लेंगे या वेस्ट वेस्ट के। मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया में और आसपास के एरियाज में ईस्ट के सेटेलाइट ही हम यूज़ कर सकते हैं, 7 डिग्री वेस्ट को छोड़कर हम कोई भी सेटेलाइट यहाँ पे कवर नहीं कर पाते हैं, तो ओनली ईस्ट के ही हमें मिलते हैं। और बात करें अफ्रीका से उस तरफ की साइड का जो है अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे वेस्ट के साइड के सारे सेटेलाइट्स मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे सेटअप, सिस्टम सेटअप का ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें पहला ऑप्शन है OSD सेटअप, जिसमें आपको OSD लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है OSD ट्रांसपेरेंसी, उसमें आप सेट कर सकते हैं जितनी भी आप सेट करना चाहें, 0 से 100 तक होती है, यहाँ पर 60 तक आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिफर्ड सबटाइटल लैंग्वेज, तो यहाँ पर अगर आप किसी चैनल पर सबटाइटल मिलते हैं तो उनका लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट पहले से होता है तो वहाँ पर इसे चेंज भी करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। प्रिफर्ड सबटाइटल लैंग्वेज दूसरी हम देख सकते हैं कि इंग्लिश की जगह आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, और दूसरा लैंग्वेज अगर ये नहीं हो इंग्लिश तो कौन सी ले सकते हैं वो, लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी और फीचर नहीं है। हार्ड हेयरिंग ऑन कर सकते हैं यहाँ से। वॉल्यूम सेटअप कि आप वॉल्यूम है सिस्टम से रखना चाहेंगे या प्रोग्राम के अनुसार सेटिंग करना चाहेंगे, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं कि स्पेशल प्रोग्राम स्पेसिफाई। यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है फर्स्ट प्रिफर्ड ऑडियो इंग्लिश, कि अगर आप चाहें कि अपना जो ऑडियो है चैनल का ऑडियो आता है वो सेट करना, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये वीडियो कॉन और टाटा स्काई के जो बॉक्सेस होते हैं उनमें प्रिफर्ड ऑडियो टाइप आपको फर्स्ट जो भी फर्स्ट और सेकंड दो ऑडियोज होते हैं, तो यहाँ वैसे ही इसमें भी दिया गया है, तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है क्योंकि फ्री टू एयर बॉक्सेस में सारे ऑडियो सेटिंग्स पहले से होती है। बट अगर आपको स्क्रैम्बल चैनल इसमें चला रहे हैं तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता हो सकती है, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहें वो सेट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वीडियो सेटअप का, जिसमें वीडियो का कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, HUE और एस्पेक्ट रेशियो आप सेट कर सकते हैं, ये इमेज साइज होता है, और वीडियो आउटपुट कैसा आपको लेना है, SVD या YUV वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन आप रख सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है। जो मैंने जो सेटिंग्स कर रखी है वो बहुत अच्छी ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ऑडियो सेटअप आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप म्यूट कर सकते हैं, PCM और बिटस्ट्रीम कर सकते हैं, बिटस्ट्रीम, HDMI ऑडियो यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं, रो, म्यूट और जो भी है वहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो चाहे तो म्यूट भी आप कर सकते हैं और चाहे तो सेट कर सकते हैं।
डेट एंड टाइम मोड आप रख सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि टाइम जोन भी गलत है, इस वजह से भी टाइम गलत आ रहा है, इस पर टाइम जोन सही कर देते हैं। तो अभी का जो टाइम है रात के 11:50 वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे लाइट सेविंग का मतलब है कि अगर डे में जो लाइट सेविंग है वैसे करके है तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पासवर्ड सेटअप इसमें देखेंगे अगला, ये पासवर्ड सेटिंग आप करना चाहें, चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी मेन जो पासवर्ड है वहाँ पे पूछा जाएगा जब भी आप पासवर्ड सेटिंग करना चाहते हैं, तो 0000 पासवर्ड एंटर करना है। सिस्टम लॉक आपको देखना है, ऑन ऑफ रखना है, ऑन रखना है। पेरेंटल रेटिंग आप क्या रखना चाहते हैं, चेंज पिन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चाहे ये पासवर्ड तो यहाँ से हटा सकते हैं, सिस्टम लॉक में जाकर यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम बैक करेंगे और नेटवर्क सेटअप ऑप्शन आपको मिलता है। नेटवर्क सेटअप के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो जो भी कनेक्टिविटी आप चाहते हैं, जैसे कि GPRS, 3G, Wi-Fi, Ethernet, ये आपको उससे कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाने वाला हूँ जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हैं और आप नेट कनेक्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग टेस्ट होता है उसी तरह से, और प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो इसकी कोई पूरा कम्प्लीटली मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट का, जिसमें आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है आप सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं यहाँ से करें, प्रोग्राम सेटिंग्स को करना चाहते हैं यहाँ से करें, और डिलीट चैनल बाय सेटेलाइट तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ ज़्यादा अगर आप ऑल करते हैं तो ऑल कर सकते हैं, बट जो भी आप चाहें उस तरह की रीसेट आप कर सकते हैं। बाकी बॉक्सेस में इस तरह की सेटिंग्स आपको नहीं मिलती है। अगला ऑप्शन मिलता है IPTV सेटअप का, जिसमें IPTV का सर्वर आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर लोड बाय USB कर सकते हैं, क्योंकि जो IPTV की जो फाइल्स होती है वो आपको लोड करनी पड़ती है USB के थ्रू, कई बार आपको डाउनलोड करने भी मिलती है कहीं से, तो वो आपको लोड करनी होती है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल एडिट का, जिसमें आपको चैनल एडिट करने के ऑप्शन मिलते हैं कि आप अप डाउन, जिस मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर। अब जो ये चैनल है इसे मैं चाहूँ कि अप डाउन करना तो हम कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इन दोनों चैनल्स को, इस चैनल को मूव करना चाहता हूँ, तो येलो बटन दबाकर इसे मूव करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में येलो बटन दबाएंगे। जहाँ से देखिए दोनों चैनल जहाँ आपको सेलेक्ट करके चेंज करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ETV को और MBC को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो दोनों को ओके करके यहाँ पर येलो बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको मूव करना होगा, डिलीट करना है तो ग्रीन बटन दबाएंगे यहाँ से और डिलीट कर सकते हैं। बस पासवर्ड पूछा जाएगा, वो डाल के आप इस डायरेक्टली चैनल को डिलीट कर सकते हैं। चाहे चैनल को लॉक करना तो पैरेंटल लॉक के लिए रेड बटन दबाकर आप लॉक कर सकते हैं। किसी चैनल का नेम एडिट करना चाहते हैं तो ब्लू कटर बटन प्रेस करके इसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी चैनल इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी इंसर्ट किया जा सकता है यहाँ से, ये जो प्ले का बटन है वो दबाकर, और ये आप ऐसा कर पाएंगे। तो मैं अभी इसे एस्केप करता हूँ, जो आप आराम से कर पाएंगे। एडिट PIDs, जो PIDs है रिलेटेड चैनल के, वो भी यहाँ से एडिट की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट फेवरेटीज, जो फेवरेटी चैनल है वो भी यहाँ से चेंज किया जा सकते हैं। बूट चैनल, ये रिलेटेड यहाँ से हम कर सकते हैं बूट ऑन चैनल की, बूट कहाँ से बूट होगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक वही चैनल चले या कोई दूसरा चैनल चले वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि बूट होगा तो अभी यहाँ पर टेस्ट 1 यानी कि 001 का जो चैनल है एक नंबर का वो चलेगा। डिलीट ऑल चैनल जहाँ चाहे यहाँ से डायरेक्टली डिलीट किया जा सकता है। लोड सेव्ड डेटा बेस, यानी कि पहले से जो चैनल का डेटा बेस है सेव है कहीं पे, तो वहाँ आप डायरेक्टली सेव करना चाहें तो वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है मेन्यू में, वो है प्रेफरेंस का। चैनल हम कर चुके हैं, प्रेफरेंस हमें मिलेगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर। चैनल हो चुका है, नेक्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस का है। PVR कॉन्फ़िगरेशन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं PVR का यहाँ पर, PS या PS जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। फाइल का साइज क्या रहेगा, 4G, 1G, 4G, 2G, 3G वो रख सकते हैं। टाइम शिफ्ट, उस ऑटो और जो भी
वो लेंथ सेट कर सकते हैं, टाइम शिफ्ट टू रिकॉर्ड ऑन, ये पीवीआर सेटअप यहाँ पे ऑनली रिकॉर्डिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन स्टैंड बाई डिस्प्ले ऑन, स्टैंड बाई डिस्प्ले ऑन रखना चाहते हैं, ऑटो स्टैंड बाई ऑन ऑफ कितनी देर के लिए, मीडिया सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि मीडिया सेंटर में जो है कैसा क्या है आप वो रख सकते हैं। सूटेबल पीआईडी, ईबुक लैंग्वेज कोड ईपीजी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वर्जन की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, किसका बनाया हुआ है, KMTS न्यू दिल्ली का ये बनाया हुआ है जो सॉलिड का बॉक्स है, और TS रिकॉर्डर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें TS रिकॉर्डिंग यहाँ से अगर ऊपर से सेलेक्ट करते हैं तो होता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड यहाँ से आप कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बता दूँ सॉफ्टवेयर अपग्रेड दो तरह से होगा, एक तो होगा USB से जो डेटा है उसमें, और दूसरा नेट अपग्रेड। नेट अपग्रेड भी इस बॉक्स का आ चुका है क्योंकि ऑनलाइन अब जब हम नेट से कनेक्ट रहेंगे तो उस टाइम पे नेट अपग्रेड इसमें किया जा सकता है, उसका मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मीडिया सेंटर का। मीडिया सेंटर में आपको जो जितने भी आप फोटो वीडियो जो भी मिल रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बैक करेंगे यहाँ से मीडिया सेंटर से तो यहाँ पर बाकी के दो ऑप्शंस मिलते हैं, और नेक्स्ट में मीडिया सेंटर है जहाँ से फाइल्स को प्ले करेंगे, दूसरा यूट्यूब और इंटरनेट टीवी होता है, जो IPTV की जो फाइल्स होती हैं वो इंटरनेट टीवी में प्ले होती हैं यहाँ पर, तो यूट्यूब यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट टीवी है जहाँ से IPTV हम चला सकते हैं डायरेक्टली, जो रिलेटेड यहाँ पे दो IPTVs के पहले से इंफॉर्मेशन दर्ज है तो ये यहाँ पे डायरेक्टली प्ले हो सकेगी। बैन स्पोर्ट HD और ALUN ये सारी है, ये मैंने सारा इसका जो सेटिंग्स है और जो सब कुछ बता दिया है। बस कुछ इन्फॉर्मेशन से मैं आपको एक और बता दूँ कि यहाँ पे जब भी कोई चैनल आप चेंज करते हैं, जैसे कि इससे पहले जितने भी चैनल ये चेंज अभी किया है तो इसके अलावा जो भी चैनल इस पर चेंज हुआ है कुछ भी हुआ है तो जैसे ही आप एग्जिट का बटन दबाते हैं तो वहाँ पे इसकी लिस्ट हो जाती है। स्पेशल फीचर है इसके अंदर जिसमें 10 जो हिस्ट्री है चैनल्स की वो यहाँ पे दिख जाती है, जिसमें से पिछले 10 चैनल हैं वो देख सकते हैं आप कौन कौन से आपने देखे हैं, तो इस तरह से इसमें आपको बेनिफिट होता है। इसमें कम्प्लीटली सेटअप्स में आपको बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरनेट चलाना बताऊँगा जिससे इस तरह से आप नेट चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।